पहली चीज तो यह है कि सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहु अपने बंदों की बख्शिश के लिए मुकद्दस रातें, मुकद्दस औरात और मुकद्दस दिन उसने अता फरमाए। इस उम्मत के लिए बख्शिश का जितना सामान अल्लाह ने अता फरमाया है, किसी नबी की उम्मत के लिए इतना बख्शिश का सामान नहीं रहा। सिर्फ इतना सोचो कि क्या मग़फ़िरत ये मामूली चीज है? ये इतनी बड़ी चीज है कि आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम और सहाबाए किराम अलैहि मुर्तिदवान सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के बारे में इस उम्मत के लिए फिक्रमंद थे तो वो चीज यही थी कि अल्लाह इस उम्मत की किसी भी सूरत में बख्शिश फरमा दे। और मैं ये समझता हूं कि बारगाहे समदीयत से परवाने मग़फ़िरत हासिल करने में इस कौम को जितना सुस्त हम देखते हैं, शायद ही कोई कौम इतनी सुस्त हो।